दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉइड 14 के नोटिफिकेशन पैनल के बारे में। देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एंड्रॉइड 14 का जो है सॉफ्टवेयर बीटा में जो है लॉन्च होना स्टार्ट हो गए हैं। और एंड्रॉइड 14 का यहाँ पे देख सकते हैं मैं नोटिफिकेशन पैनल जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखा हूँ, जबकि मेरा फ़ोन जो है एंड्रॉइड 11 पे वर्क कर रहा है। फिर भी मैं अपने जो है स्मार्टफोन को एंड्रॉइड 14 का जो है नोटिफिकेशन पैनल मैं यहाँ पे सेट करके रखा हूँ। तो आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो मैं इसे पहले अनइंस्टॉल करता हूँ और पूरा मैं आप तो अपने इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 MB का ये जो है ऐप्स है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो है इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने डिवाइस के अंदर। और आपको कैसे जो है इसका सेटअप करना है पूरा मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके कैसे आपको जो है इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हम जो है इंस्टॉल इसे होने देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है ये मेरा जो है ऐप्स जो है अपने मेरे फ़ोन के अंदर जो है इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आपके फ़ोन में थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आप जो है आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसका कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो है आपको 4 परमिशन दिए जा रहे हैं, इस चारों परमिशन को आपको सिंपली इसे जो है आपको परमिशन दे देने हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर लेआउट को यहाँ पे परमिशन ओके करना है, एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपको सर्विसेज में आना है, इंस्टॉल सर्विसेज में। उसके बाद वन सर्विस आपको देखने को मिलना है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसे जो है ऑफ रहेगा, यहाँ से सिंपली इसे अलाउ कर देना है। फिर से आपको बैक आना है, वापस से यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देना है, कंट्रोल सेंटर परमिशन, यहाँ पे इसे जो है अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलाउ परमिशन, फिर से बैक आना है आपको। बैक आने के बाद फिर से यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इनेबल नोटिफिकेशन, सिंपली आपको यहाँ से जो है इनेबल नोटिफिकेशन कर देना है। तो ये वाला इसमें बता रहा है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अलाउ कर देना है। फिर से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर से ये लास्ट वाला नंबर जो है सिम चेंज परमिशन, तो सिंपली आपको इसे अलाउ करना है क्लिक करके। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है, यहाँ पे सब कुछ कट कर देना है। उसके बाद देखेंगे अपने फ़ोन में जो है नोटिफिकेशन जो है स्लाइड करके नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो है मेरा नोटिफिकेशन कुछ एंड्रॉयड 12 की तरह यहाँ पे हो चुका है। काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आपको हर फीचर की जानकारी के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।